चाय किसी को नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कोई पिएगा भी नहीं आज के बाद। डेली ब्लॉग में जैसा भी सक लो आ जाओ, कोई चाप नहीं है। तो वेलकम बैक टू मैनर ब्लॉग। पीछे झोपड़ी दिख रहा होगा, अभी हमें न्यू टाउन में कुछ काम से आए हुए थे एंड सो के उठ के हैं। देखते हैं क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, फंस गए यहाँ पे, तो जो घर जाके स्टार्ट करेंगे बट नहीं हो पाया सब कुछ। एंड मेरे धनु रानी भी नहा लिए, क्या हाल है बुआ, हाथ ही के मोटा होता नहीं है, जैसा है वैसा सेम रहता है, इतना क्राउड है यहाँ पे। आज मॉर्निंग का साथ देखो, पता है अभी जस्ट घर आए हुए हम एंड अभी 2 बज चुका है घर आते हैं, तो उसमें सुबह था, अभी दोपहर का 2 बज रहा है एंड आज गर्मी उतना है नहीं। अभी हम खाना खा ही रहे थे जस्ट, बट हम जो खा रहे थे हम सोचे नहीं दिखाए, बोले नहीं दिखाना चाहिए, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं सब चीज़ दिखाना चाहिए, ठीक है। अभी घर आए हुए, भैया की तबीयत ख़राब है, वो तो है नहीं घर पर, और कोई नहीं है, तो हम गए क्या खाना बनाने के लिए, कुछ मिला नहीं, पता क्या खा रहे हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा पेट को भरने के लिए ना, दिखा रहे हैं हम, दिखा घर में कुछ भी नहीं था ना, सब्जी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे, नीचे जाना पड़ता, दोपहर के टाइम पे पूरा बंद हो जाता है मार्केट। शांति से ये चावल, उसी में क्या आता है प्याज सब देखिए फ्राई कर दिए एक साथ में, कुकर में ही बन गया पूरा एंड खा लो। एंड इसी को सोचते हैं शाम में जिम लेके चल जाएंगे, एंड भैया आ रहे तो बोल देंगे अंडा लेके आने, साथ में ऑमलेट से बना के लेके चल जाएंगे। कोई खाना पड़ेगा कुछ भी करो, जो मन में आ रहा है हम दिखा दिए, नहीं दिखाने वाले थे ताकि लगे नहीं कि आपको हम गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं बताना चाहते कि हम गरीब हैं, हम ये बताना चाहते हाँ हम कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में, मेरे पास पैसा बहुत आएगा, सो अभी क्यों बताया भाई हम गरीब हैं, उसके दम पे कर रहे हैं ना, हे फिर से वही बोल दिया, कोई नहीं खा ख़त्म करते हैं, सामने जिम में मिलते हैं आप लोगों से। एंड सो अभी नहा के रेडी एंड अभी निकलने वाले जिम, बट उससे पहले कोई काम है वो कर ले, अंडा लेके आए हुए हैं, अंडा आइस एंड बेड लाना भूल गया, बाल भी नहीं जा रहे, बाल झाड़ने से ऐसे ही ठीक लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टाइम बचेगा मेरा और कुछ नहीं। एंड तभी जो बताया सीरियस मत लेना, ठीक है, बट वो हम सच बोले थे, सच में हम खुद को गरीब नहीं मानते हैं, खुद को बहुत अमीर मानते हैं, बहुत ज़्यादा, गाड़ी में इतना तेल फूंक देते हैं अभी समझ में नहीं आता है, अभी जस्ट फिर जाके कल रात में डलवाए थे तेल हम, उस वाले पर दिख गया होगा। एंड अभी फिर जाके दोस्त, मतलब कि डेली का समझ लो मेरा, डेली छोड़ो मंथ का 7-8 हज़ार का सीमेंट चल जाता है, बताओ भाई अगर फैमिली में कोई देख रहा होगा कमेंट कोई नहीं करेगा, एंड मेरी मम्मी को नहीं बताया जाएगा पहले कह दे रहे कि बेटा तुम्हारा इतना खर्चा करता है, लड़ लेते हैं पता आपस में, बताओ वीडियो हम बनाते हैं लड़ता बोलोगे क्या ही बोले हम, कोई नहीं सबको जला देंगे, ठीक है, जब थार ले घूमेंगे ना तब। पहले वीडियो को बना के प्रूफ कर दे रहा, गिरेगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक क्या है, कौन सा मॉडल है, BS6? हाँ BS4 होगा सर, BS6 BS4 होगा सर, एक नीचे चार ऊपर, ठीक है, न्यूट्रल की बीच में, न्यूट्रल सबसे नीचे करके हल्का ऊपर गया, न्यूट्रल हो जाएगा, सेम पल्सर का जो भी है। एंड भाई साहब हम लोग फ्री का एसी का हवा खाने आ चुके हैं अंदर, चला फ्री का एसी का हवा खाओ भाई, खुल जा रहा है एसी, कैसे लॉक हो जा रहा है भाई साहब, पूरा गंदा कर दिया, बता कोई तो बात सुनवाएगा, हे बॉय। मार्केट से अड्डाबाजी करके घर पहुँचे हैं, अभी चलने वाले जिम, कैमरा में देखिए ब्लॉग के पूरे कैमरा में देखिए, प्री वर्कआउट में ये रहा 2 अंडा एंड चावल, बस बोले थे तभी हम चावल बना के रखे अंडा, बट हाथ इतना गंदा दिख रहा है बट नहीं है वो कैमरा में ऐसा दिख रहा है भाई साहब, हम भी बहुत बोरे हैं, वो वक्त निकाला करके रखा है, ख़त्म कर दें इसको एंड कुछ पैक भी कर दे रहे हैं, अंडा 6 अंडा लगभग 2 अंडा खाए, 4 अंडा पैक कर दे रहे हैं, जिम में 2-2 घंटे बाद खा लेंगे, तो बहुत जिम के लिए रेडी। एंड ये दिख रहा है इसके अंदर खाना है एंड एक टी शर्ट भी है, कुछ जो कहा है बैग मेरा खो गया है, 3-4 बैग मेरे पास में पता नहीं चल रहा, 2 बैग फेंका हुआ था, उधर गंदा है दिखा नहीं सकते, रूम गंदा करके रखे हैं, टी शर्ट ये सब कुछ देख, चलो जिम बड़े ही खाना पड़ेगा। साठ से चार पाँच चार नहीं 8 काउंट से ट्राई करेगा, ठीक है
आर्ट्स चल जाए। ओ सॉरी, ज़्यादा मत देखो सब्जी में, देखे शौक हो गया आज। बोल तो कहाँ का नस निकला मेरा? पूरा सब जगह ही है आपका, पूरा बाप में है। पूरा सब जगह भी नस है। तो नीचे के ठीक रखते हो ना? अभी जस्ट घर जिम से निकले हुए हैं एंड शायद जिम लॉक भी नहीं हुआ अभी तक। भाई घर पे ही, भैया को लाने जाना है। सुबह छोड़ने गए थे दीदी के यहाँ, भैया के दीदी है तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, फिर जाना पड़ेगा लाने के लिए। वर्कआउट भी अच्छा हुआ, पूरा वर्कआउट नहीं दिखा है, बॉडी का नस इतना मेरा आ रहा है ना मस्त, जो बहुत ज़्यादा नस आ रहा है। तो जिम में तो इतना फ़ायदा है कि हर कोई अगर मिलता है तो लोग बोलता है हाँ अनुभव कैसा है, बट तो कोई काम नहीं आने वाला है इतना हमको पता है। जो भाई रियल फैक्ट है, बुरा लगे कुछ भी लगे, अपने को कुछ फ़र्क नहीं।